हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं SY ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप की किसी ग्रुप में हैं तो आप ये वीडियो अंत तक का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आपको जानना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल SY ट्यूटोरियल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले चीज़ की ग्रुप की नोटिफिकेशन को कैसे बंद करते हैं। दोस्तों अगर आप एक या एक से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपको पूरे दिन बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब ना हो ग्रुप की नोटिफिकेशन से तो आप साइलेंट कर सकते हैं ग्रुप की नोटिफिकेशन को। तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिख रही हैं, उस पर क्लिक करिए। फिर सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन टूल ग्रुप नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन टोन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे साइलेंट पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ग्रुप की नोटिफिकेशन साइलेंट हो जाएगी, और जब भी कोई आपको ग्रुप में मैसेज करेगा या कोई भी ग्रुप का मैसेज आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सुनाई नहीं देगी। इससे आप डिस्टर्बेंस से बच सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं, पूरे दिन में पता नहीं कितने सारे मैसेज आते होंगे, और उन सभी मैसेज में कई ऐसे मैसेज होते हैं, कई ऐसे इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आप चाहते हैं कि आप उसे बाद में भी पढ़ें, या फिर आप उन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं अपने। जैसे कि कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे GK GS या आपकी कोर्स से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, और अब कोई ऐसा मैसेज आता है या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आती है जो आप चाहते हैं कि मैं इसे दोबारा भी पढ़ूं या फिर उसे एक अलग तरह से कलेक्ट करूं, उनको इकट्ठा करूं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप जो भी मैसेज को आप चाहते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है और आप उसे दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो उस पर कुछ देर तक प्रेस करिए, और यहाँ पे एक स्टार का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो मैसेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो आपका फेवरेट मैसेज है, और ये जब चाहे आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं तो दोबारा उस मैसेज उस पर्टिकुलर मैसेज को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो भी मैसेज या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आती है जो कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है और आपको इसे दोबारा पढ़ना चाहिए, तो आप उसे स्टार्ट मैसेज पर क्लिक करके उसे स्टार्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए उस मैसेज पर टाइप करिए, टाइप करने के बाद वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार का ऑप्शन बना हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये एक तरह से आपका फेवरेट मैसेज हो जाएगा, या स्टार्ट मैसेज बोलते हैं। और उसे देखने के लिए यहाँ पे आपको फिर से मेन मेन्यू में जाना है, यानी कि अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। ओपन करने के बाद राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट्स दिख रही हैं उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट मैसेज का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, तो जो भी मैसेज आपने स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट किया है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। कोई भी ग्रुप में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई ऐसा मैसेज आता है जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप स्टार्ट करके यहाँ पे एक अलग तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। दोस्तों क्या आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी एक पर्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे मैसेज हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो जोक है ये मुझे पसंद आया, तो मैं इसका रिप्लाई करना चाहता हूँ, नाइस जोक। ठीक है, तो अगर मैं नीचे लिखूँगा नाइस जोक तो हो सकता है कि ये जो किसी ने पिक्चर भेजी है वो उसको बुरा लग जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया है कि मैंने किस पर्टिकुलर फ़ोटो के लिए या किस मैसेज के लिए मैंने लिखा है नाइस जोक। तो आप किसी एक पर्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं उन्हें सेलेक्ट करके, जैसे कि ये एक जोक है और मैं चाहता हूँ कि ये इस पर मैं कमेंट करूँ या कुछ रिप्लाई करूँ, तो यहाँ पे पहले तो आपको प्रेस करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो एरो का बटन दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए। अब वो मैसेज है वो सेलेक्ट हो गया है, और यहाँ पे मैसेज के साथ आप रिप्लाई कर सकते हैं नाइस। तो इससे क्या होगा कि जिस बंदे ने वो मैसेज किया है उसको पता चल जाएगा कि मैंने इस पर्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई किया है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर मैसेज का भी रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप उस मैसेज पे कुछ देर तक प्रेस करिए, उसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट हो जाएगा जैसे आप प्रेस करेंगे कुछ देर तक। उसके बाद यहाँ पे एरो का एक बटन दिख रहा है,
आइकन, उस पर क्लिक करिए, वो मैसेज सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे वो मैसेज आएगा, उसके नीचे आप अपनी राय, अपनी रिप्लाई, आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ मैसेज करके उन्हें टैग भी कर सकते हैं फेसबुक की तरह। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में किसी एक व्यक्ति को कुछ मैसेज जो आप लिखना चाहते हैं या मेंशन करना चाहते हैं उसे टैग भी कर सकते हैं वो उस मैसेज के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गुड मॉर्निंग, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ये मैसेज मेंशन करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपना मैसेज टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे @ का सिंबल आप उस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, और आप किसी जिस भी व्यक्ति को आप मेंशन करना चाहते हैं या टैग करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और ये मैसेज सेंड कर दीजिए। तो ये जो भी आपने मैसेज सेंड किया था उससे वो टैग होके जाएगा और उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि ये जो भी मैसेज आया है वो मेरे लिए आया है पर्टिकुलर। तो कुछ इस तरह से आप फेसबुक की तरह व्हाट्सएप ग्रुप में भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टैग कर सकते हैं। टैग करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी मैसेज है वो मैसेज लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे @ का जो सिंबल है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पेस देना मत भूलिएगा मैसेज के बाद थोड़ा सा एक स्पेस, उसके बाद @ का सिंबल। जैसे आप क्लिक करेंगे @ के सिंबल पे आपके ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और वो जिस भी व्यक्ति से आप टैग करना चाहते हैं उसके नाम पे टैप कर दीजिए ऐसे, और वो टैग हो जाएगा वो मैसेज। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी टैग कर सकते हैं फेसबुक की तरह। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल SY ट्यूटोरियल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।